ये बात ज्यादा वायरल हो रही है। बताया जाता है हमारे उधर करेल थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है नगला कंस, हमारे यहाँ से थोड़ा नजदीक पड़ता है। वहां के एक भैया थे जिनका नाम था सोनू, जिनके पिता का नाम था श्री जनवेद सिंह, अकेले पुत्र थे। 11 तारीख को भैया की शादी होने गई थी और 12 तारीख को विदाई होके आई थी और 13 तारीख को उसके शादी में मिला था इनवाइटर। उससे करंट लगकर के उसकी ठौर ही मृत्यु हो गई। तो कहते हैं दादा कि दुख का कोई सामना नहीं होता है कि दुख कब तुम्हारे सामने आकर के खड़ा हो जाए। ना जाने उस मैया ने अपने पुत्र का विवाह किया कितनी खुशी मनाई होगी। आज उसका जो विवाह हुआ था हमारे थाना किशनी के पास में गांव पड़ता है नगला सोच, वहां से उसकी शादी हुई थी। अच्छी शादी हुई थी लेकिन एक रात भी वो वही नहीं, शादी करने के बाद एक रात भी नहीं गुजार पाया। ना जाने प्रभु ने कौन सी मुसीबत आके उसके सामने खड़ी कर दी। लेकिन माताओं ये ध्यान रहे दादा कि अकेला पुत्र किसी का भी हो, जैसे मैया के दिल से पूछो क्या बीतती होगी। दुख बहुत बुरी चीज होती है। जैसे माँ बाप के जीवन में अगर पुत्र का शोक पड़ जाए तो वो शोक सबसे बड़ा शोक होता है, जिंदगी बिगड़ जाती है। जीवित रहते हैं माँ बाप लेकिन जिंदगी जिंदगी नहीं होती है श्रोताओं। तो बताया जाता है कि छूट गई जन्म नगरिया, छूट गई जन्म नगरिया और नारी के छोरे पीले हाथ। Thank you.
मेरी श्रोताओं, उस मैया के दिल से पूछो जिसका पुत्र जिस मैया से जुदा हो गया हो, उस पिता के दिल से पूछो जिस पिता का पुत्र जिस पिता से जुदा हो गया हो। पुत्र का शोक बड़ा दुख होता है। बताया जाता है कि बैसे तो दुख बहुत है और बड़े बड़े हैं चार, भूमि मरण भैया मरण पुत्र शोक और नाचार। ये दुख बहुत बड़े होते हैं श्रोताओं। आज मैया सुशीला अपने